हेलो स्टूडेंट्स, इसके पहले क्लास में हम लोगों ने सीरीज अरेंजमेंट ऑफ कैपेसिटर देखा था। क्या देखा था कि कैपेसिटर को जब हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो उनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होता है। सभी कैपेसिटेंस पे, जितने भी कैपेसिटर्स है सीरीज में कनेक्टेड हैं, उन पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। तो मैंने ये बताया था कि जब भी क्या होगा, व्हेन एवर कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज देन चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर विल बी अलवेज क्या होगा, सेम। क्या होगा, कैपेसिटर पे जो चार्ज होगा वो अलवेज क्या होगा, सेम होगा। उसके बाद मैंने ये बताया था कि कैपेसिटर पे चार्ज सेम होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस क्यू इक्वल टू सी वी से मैंने ये बताया था, क्यू तो कॉन्स्टेंट हो गया तो वी विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर्स। आई मीन ग्रेटर द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, स्मॉलर विल बी द पोटेंशियल ड्रॉप या पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर एंड वाई से वर्सा। तो उसके बाद हमने ये देखा था कि सीरीज इक्वेलेंट जो होता है, सीरीज इक्वेलेंट ऑफ कैपेसिटेंस कितना होता है, 1/CS इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C2C3। आई मीन सीरीज इक्वेलेंट ऑफ कैपेसिटेंस विल बी सेम एज पैरेलल इक्वेलेंट ऑफ रेजिस्टेंस। आई मीन रेजिस्टेंस का जिस तरह पैरेलल इक्वेलेंट कैलकुलेट करते थे, उसी तरह हम क्या करेंगे, सीरीज इक्वेलेंट ऑफ क्या करेंगे, हम कैपेसिटर कैलकुलेट करेंगे। बाद में ये भी हमने देखा था कि व्हेन एवर कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज देन एनर्जी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अगेन कैपेसिटी ऑफ द क्या होगा, कैपेसिटर। ग्रेटर द कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर, स्मॉलर या लेसर विल बी द चार्ज स्टोर बाय द कैपेसिटर एंड वाई से वर्सा। उसके बाद हमने कुछ उस पर सम देखा था। अभी हम क्या पढ़ेंगे, मैंने बताया था कि दो तरह से हम कैपेसिटर को क्या कर सकते हैं, कनेक्ट करते हैं। एक तो क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, और दूसरा क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन हम क्या करेंगे, देखेंगे कि क्या क्या होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, देखो मैं यहाँ पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए इन जनरल तीन ही कैपेसिटर मैं कंसीडर कर रहा हूँ। आपको ध्यान देना है कि ये क्या होगा, एक कैपेसिटर क्या हुआ, एक कैपेसिटर C1 है, दूसरा कैपेसिटर क्या है, C2 कनेक्टेड है, और तीसरा कैपेसिटर क्या है, तीसरा जो कैपेसिटर्स है उसको हम क्या बोलेंगे, C3। तो ये C1 C2 क्या है, इसको हमने C1 मान लिया, अगेन C2 और अगेन क्या हुआ, C3। यही क्या है, ये टर्मिनल A है और दूसरा टर्मिनल क्या है, B है। क्या है, टर्मिनल क्या है, A है और टर्मिनल दूसरा टर्मिनल क्या होगा, B होगा। अब हम क्या करेंगे, यदि इसको हम क्या करेंगे, बैटरी से क्या करें, कनेक्ट कर दें, जिसका EMF क्या है, V है। तो आप ध्यान से देखोगे तो आपको मालूम चलेगा कि पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल ऑफ ईच कैपेसिटर जो होगा, देखो इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल क्या होगा, आपसे कोई पूछे तो इस ए क्या होगा, यदि हम V1 मान लें, इसके अक्रॉस पोटेंशियल हम क्या मान लें, V2 मान लें, और इसके अक्रॉस पोटेंशियल हम क्या मान लें, V3 मान लें। तो हम बोल सकते हैं क्योंकि V1, V2 और V3 क्या होगा, EMF ऑफ द बैटरी की क्या होगा, इक्वल होगा, यदि बैटरी कनेक्ट होगा तो हम क्या बोल सकते हैं कि व्हेन कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, क्या होगा, व्हेन कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल देन पोटेंशियल ऑफ ईच कैपेसिटर मस्ट बी क्या होगा, सेम। क्या होगा, पोटेंशियल देख रहे हो कि इसके क्रॉस, यदि देखो ध्यान से इसके क्रॉस जो पोटेंशियल क्या होगा, क्योंकि यही बैटरी जो है इस कैपेसिटर के दोनों टर्मिनल से कनेक्टेड है, यही बैटरी जो है C2 कैपेसिटर के दोनों टर्मिनल से कनेक्टेड है, यही बैटरी जो है C3 के क्या है, कैपेसिटर C1 के क्या है, दोनों टर्मिनल के एक्रॉस क्या है, कनेक्टेड है। तो हम बोल सकते हैं कि क्या होगा,
कि व्हेन कैपेसिटर्स क्या होगा व्हेन, उसके बाद बाद में हम लिखेंगे यदि यहां से हम चार्ज क्यू दें तो देखो यहां क्या होगा चार्ज जो होगा वो क्या होगा तीन पार्ट्स में, क्योंकि यहां जब चार्ज आएगा हमेशा याद रखना चार्ज कभी कैपेसिटर के अंदर क्या होता है मूव नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि कैपेसिटर के अंदर क्या होता है फ्री स्पेस होता है, क्या होता है फ्री स्पेस होता है, और चार्ज जो है एयर में जंप नहीं करता है एक जगह से दूसरी जगह, चार्ज को फ्लो होने के लिए क्या होना चाहिए मीडियम होना चाहिए। अब आप बोलोगे सर ये चार्जिंग कैसे होता है, तो मैं आपको बताऊंगा, फिलहाल अभी आप केवल ये मान लीजिए कि इस पे चार्ज क्या होगा इसके अंदर फ्लो नहीं होगा, तो हम बोल सकते हैं कि इस पे इधर क्या होगा, इधर क्या होगा Q1 चार्ज और इधर क्या होगा Q2 चार्ज और इधर क्या होगा Q3 चार्ज। आई मीन यदि आप कनेक्ट करोगे तो देखो इस प्लेट पे क्या होगा प्लस और इस प्लेट पे क्या होगा माइनस, उसी तरह इस प्लेट पे प्लस इस पे क्या होगा माइनस, इस प्लेट पे क्या होगा प्लस और इस प्लेट पे क्या होगा माइनस, आई मीन इधर क्या होगा Q3 Q2 और क्या हो जाएगा Q1। तो ये तो बात पहली बात है ये मालूम चल गया, देखो क्या होगा तो हम लिख सकते हैं कि क्या होगा इन पैरेलल पैरेलल कॉम्बिनेशन, क्या लिख सकते हैं हम इन पैरेलल कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, क्या होगा कैपेसिटर्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ क्या होगा कैपेसिटर्स, क्या होगा पोटेंशियल पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल पोटेंशियल ऑफ ईच कैपेसिटर कैपेसिटर विल बी ऑलवेज, क्या होगा ऑलवेज सेम, क्या होगा ऑलवेज क्या होगा सेम होगा, तो हम बोल सकते हैं कि क्या होगा V1 is equal to क्या होगा V2 equal to क्या होगा V3 dash dash equal to हम क्या लिखेंगे यहाँ हम EMF of the battery भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको क्या ये माइंड में रखना है कि पोटेंशियल ये क्या होगा हम लिख सकते हैं पोटेंशियल ऑफ पोटेंशियल पोटेंशियल ऑफ C1, इसको क्या लिख सकते हैं पोटेंशियल क्या होगा पोटेंशियल ऑफ C2, इसको क्या लिख सकते हैं पोटेंशियल पोटेंशियल ऑफ क्या लिखेंगे C3। और ये अपने क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है EMF ऑफ द क्या होगा अप्लाइड बैटरी के क्या होगा इक्वल होगा, अब कोई जरूरी नहीं है कि बैटरी बैटरी कनेक्ट कनेक्टेड होगा तो क्या होगा उसके क्या होगा इक्वल होगा, लेकिन ये चीज याद रखना है कि जितने भी कैपेसिटर्स यदि पैरेलल में कनेक्टेड होंगे तो उनके एक क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो क्या होगा ऑलवेज क्या होगा सेम होगा, इफ देयर इज बैटरी कनेक्टेड देन इट विल बी ऑलवेज इक्वल टू क्या होगा ईएमएफ ऑफ द अप्लाइड बैटरी, तो क्या होगा ईएमएफ ईएमएफ ऑफ द क्या होगा ऑफ द बैटरी, फर्स्ट पॉइंट हुआ। अब देखो तुम जानते हो कि Q इक्वल टू क्या होगा हम देखो तो V1 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं यहां से V1 आप बताओ V1 इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं बता सकते हैं V1 इक्वल टू हम क्या लिखेंगे V1 इक्वल टू यहां लिख सकते हैं V1 इक्वल टू क्या होगा Q1 अपॉन क्या होगा C1, उसी तरह क्या होगा V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा Q2 अपॉन क्या होगा C2, इसी तरह क्या होगा V3 आई मीन हम यहां लिख सकते हैं V1 क्या होगा V2 इक्वल टू क्या होगा Q2 अपॉन C3, V C2 V3 इक्वल टू क्या होगा Q2 Q3 Q3 अपॉन क्या होगा C3, तो हम यहां से लिख सकते हैं कि Q1 अपॉन क्या होगा C1 इक्वल टू क्या होगा Q2 अपॉन C2 इक्वल टू Q3 अपॉन C3 इक्वल टू क्या होगा कांस्टेंट, इसको हम इक्वेशन वन कंसीडर करते हैं। आई मीन क्या होगा रेशियो ऑफ चार्ज ऑन कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट इन केस ऑफ क्या होगा इन केस ऑफ क्या होगा इन केस ऑफ
पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो हम बोल सकते हैं यहाँ कि Q क्या होगा, Q क्या हो जाएगा, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, चार्ज स्टोर्ड बाय कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, कैपेसिटेंस। ये क्या होगा, चार्ज, क्या होगा, चार्ज ऑन कैपेसिटर, कैपेसिटर, और ये क्या हुआ, कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस ऑफ क्या होगा, कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ क्या होगा, कैपेसिटर। तो हम बोल सकते हैं कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसका यूज भी होगा अभी जब हम चार्ज वगैरह कैलकुलेट करेंगे। तो यहां से ये मालूम चल गया कि व्हेन क्या होगा, कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो क्या होगा, पोटेंशियल ऑन ईच कैपेसिटर क्या होगा, मस्ट बी क्या होगा, सेम, बट चार्ज स्टोर बाय द कैपेसिटर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, आई मीन ग्रेटर द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, मोर चार्ज विल स्टोर्ड, मोर चार्ज कैपेसिटर विल स्टोर्ड, एंड क्या होगा, वाइस वर्सा। यहां से देख रहे हो ना, तो हम बोल सकते हैं सेकेंड पॉइंट क्या होगा कि हम बोल सकते हैं यहां हेंस क्या बोल सकते हैं, अगला पॉइंट क्या लिखेंगे, हेंस क्या लिखेंगे, हेंस चार्ज, चार्ज क्या होगा, चार्ज स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर क्या होगा, कैपेसिटर, कैपेसिटर में, में और में क्या होगा, मे नॉट बी इक्वल डिपेंडिंग, डिपेंडिंग अपॉन, अपॉन द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, है ना। यहाँ ये मालूम चल गया, हमने तो ये बताया, बिकॉज यहाँ मैं लिख देता हूँ क्या होगा, तो ये याद रखना है कि व्हेन एवर कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल देन चार्ज स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर मे बी सेम और मे नॉट बी सेम डिपेंडिंग ऑन, डिपेंडिंग ऑन द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर क्या होगा, इफ कैपेसिटेंस ऑफ ऑल कैपेसिटर क्या होगा, यहाँ क्या लिखना है कि क्यों आप एक्सप्लेन कर सकते हो, इफ हम लिख सकते हैं इफ क्या होगा, कैपेसिटेंस इफ क्या होगा, यहाँ लिख देता हूँ C1 इक्वल टू C2 इक्वल टू C3 डैश डैश इक्वल टू, यदि CN हो तो क्या होगा, Q1 इक्वल टू क्या होगा, Q2 इक्वल टू क्या होगा, Q3 इक्वल टू क्या होगा, Qn हो जाएगा। यहाँ क्या होगा, हम लिख सकते हैं कि क्या होगा, इफ C1 नॉट इक्वल टू C2 नॉट इक्वल टू क्या होगा, C3 डैश डैश नॉट इक्वल टू क्या होगा, CN, आई मीन n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स पैरेलल में कनेक्टेड हो तो क्या हो जाएगा, यहाँ लिख सकते हैं Q1 नॉट इक्वल टू क्या होगा, Q2 नॉट इक्वल टू क्या होगा, Q3 नॉट इक्वल टू क्या होगा, Q4 डैश 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 क्या होगा, नॉट इक्वल टू डैश डैश नॉट इक्वल टू क्या होगा, क्यों, क्यों ऐसा एक्सप्लेन कैसे करो, क्योंकि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, C होता है, जो मैंने आपको क्या किया, एक्सप्लेन कर दिया है ना। तो क्या होगा, पहला क्या मैंने बताया कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल ऑफ ईच कैपेसिटर क्या होगा, सेम होगा, लेकिन चार्ज स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, ग्रेटर द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर मोर चार्ज कैपेसिटर विल स्टोर्ड एंड वाइस वर्सा, यहां मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। इसके बाद क्या है, अगला पॉइंट क्या है कि एनर्जी स्टोर्ड बाय द क्या होगा, कैपेसिटर क्या होगा, एनर्जी स्टोर्ड बाय द क्या होगा, कैपेसिटर क्या होगा। अब यहां से हम बता सकते हैं, देखो यहां से हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी फाइंड आउट कर लें, एक रिलेशन तो हमने ये लिखा है, चलो बाद में हम कैलकुलेट करते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद अगला पॉइंट क्या है कि एनर्जी स्टोर्ड, अगेन क्या होगा, अगला जो पॉइंट है, इस अगला पॉइंट आई मीन इस सेकंड पॉइंट मान लेना, है ना, यहां जो है वो क्या है, थर्ड पॉइंट कि एनर्जी, एनर्जी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटेंस,
by the capacitor may, may or क्या होगा may not be, क्या होगा not be same depending on, again क्या होगा depending, depending on the, क्या होगा on the capacity या capacitance, capacitance of capacitor, capacitance of capacitor. जैसे देखो आपको ये मालूम चल जाएगा यहाँ कि एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, मैंने बताया था एनर्जी इज इक्वल टू क्या होगा क्यू वी बाई क्या होता है टू, आप लोगों को मालूम है क्यू स्क्वायर अपॉन क्या होगा टू सी इक्वल टू क्या होता है हाफ क्या होगा सी वी स्क्वायर, यही होता है ना. यहाँ से देखो आप, यदि यहाँ से ध्यान से देखो ये क्या हो जाएगा कॉन्स्टेंट हो गया, कॉन्स्टेंट हो गया ना किसके लिए फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन, फॉर क्या होगा फॉर पैरेलल, फॉर क्या होगा पैरेलल क्या हो जाएगा ये क्या हो जाएगा कॉन्स्टेंट हो गया. तो हम बोल सकते हैं कि एनर्जी स्टोर्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा कैपेसिटी ऑफ द, क्या होगा कैपेसिटर्स. तो हम लिख सकते हैं कि व्हेन कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल क्या होगा देन एनर्जी स्टोर्ड विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, क्या होगा एनर्जी स्टोर्ड विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, एनर्जी क्या होगा एनर्जी स्टोर्ड और ये क्या होगा कैपेसिटेंस. तो क्या होगा एनर्जी स्टोर्ड बाई क्या होगा कैपेसिटर. तो हम बोल सकते हैं क्यों, यहां समझ में आया एनर्जी स्टोर्ड बाई द कैपेसिटर मे और मे नॉट बी सेम डिपेंडिंग ऑन द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर या डिपेंडिंग ऑन देयर कैपेसिटेंस. यहां से मालूम चल गया कि क्या होगा इन पैरेलल क्या होगा एनर्जी स्टोर्ड क्या होगा, एनर्जी स्टोर्ड हम बोल सकते हैं कि एनर्जी स्टोर्ड ग्रेटर द क्या होगा कैपेसिटेंस. हम बोल सकते हैं कि यहां से हम बोल सकते हैं कि इफ क्या होगा, इफ क्या होगा सी वन इक्वल टू क्या हो जाए सी टू इक्वल टू सी थ्री डैश डैश इक्वल टू क्या हो जाए सी एन, तो क्या हो जाएगा U1 इक्वल टू क्या होगा U2 इक्वल टू U3 डैश डैश क्या होगा इक्वल टू, आई मीन यदि क्या होगा कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा कैपेसिटेंस सेम होगा तो आप क्या बता सकते हो कि एनर्जी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर भी क्या होगा ज्यादा होगा. उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ क्या देख सकते हैं कि इफ क्या होगा C1 not equal to क्या होगा C2 not equal to क्या होगा C3 not equal to क्या होगा dash dash not equal to क्या होगा Cn, then हम बोल सकते हैं then क्या होगा then energy stored क्या होगा then energy stored not equal to U1 not equal to U2 not equal to U3 not equal to U4 dash dash क्या होगा dash dash not equal to क्या होगा U1. आई मीन इस केस में क्या होगा ग्रेटर द क्या होगा व्हेन क्या होगा कैपेसिटेंस क्या होगा इंक्रीजेस, एनर्जी स्टोर्ड क्या होगा इंक्रीजेस, क्या होगा कैपेसिटेंस क्या होगा डिक्रीजेस, एनर्जी स्टोर्ड क्या होगा डिक्रीजेस. ये आपको क्या करना है माइंड में रखना है, क्या होगा माइंड में रखना है. तो पहला हमने क्या देखा कि पोटेंशियल क्या होगा सेम होगा, उसके बाद हमने देखा कि चार्ज स्टोर्ड बाई द कैपेसिटर्स क्या होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा एनर्जी क्या होगा स्टोर्ड होगा एनर्जी स्टोर्ड बाय द क्या होगा कैपेसिटर. तो हम यहां से एक और टर्म बोल सकते हैं, देखो ध्यान से हम क्या बोल सकते हैं कि यहां से हम बोल सकते हैं कि एनर्जी स्टोर्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा सी, आई मीन एनर्जी स्टोर्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा सी, फॉर क्या होगा फॉर पैरेलल, फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन. इस पे हम सब देखेंगे. इसके बाद अगला जो क्या है पॉइंट है, अभी तो हमने क्या किया, अब हमको क्या करना है कि चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर कैसे कैलकुलेट करना है. तो देखो आप ध्यान से देखना, यदि सर्किट डायग्राम आप ध्यान से देखोगे तो मैंने क्या किया है ये ड्रॉ किया है कि यहाँ एक कैपेसिटर हमने कनेक्ट किया और यहाँ से एक दूसरा कैपेसिटर
कनेक्ट किया, उसी तरह यहाँ से एक तीसरा कैपेसिटर कनेक्ट किया था, और यहाँ हमने क्या किया, एक बैटरी से तीनों टर्मिनल की हमने क्या माना, C1 C2 C3। यहाँ चार्ज क्या है, Q। यहाँ आकर के तीन पार्ट में क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, Q1 Q2 और क्या हो जाएगा, Q3। अगेन यहाँ आकर के कंबाइन हो जाएगा, Q2 हो जाएगा। तो हम तो इसको हम क्या बोलते हैं, देखो ये क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नोड, और क्या बोलते हैं इसको, जंक्शन, क्या बोलते हैं हम इसको। तो हर जगह फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हम अप्लाई करें, आइदर क्या है ए पॉइंट पे और क्या है बी पॉइंट पे, जहां नोड हो। तो फ्रॉम हम लिख सकते हैं, फ्रॉम क्या होगा, फ्रॉम कंजर्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ क्या होगा, ऑफ चार्ज, क्या लिख सकते हैं, चार्ज, टोटल चार्ज सप्लाई बाय द बैटरी इज इक्वल टू क्या होगा, चार्ज ऑन ऑल। यदि n नंबर ऑफ कैपेसिटर हो तो हम क्या लिख सकते हैं, सबको ये क्या हुआ, चार्ज, चार्ज सप्लाई बाय द क्या होगा, बाय द बैटरी, ठीक है, चार्ज, चार्ज ऑन क्या होगा, C1, दिस इज नथिंग बट द चार्ज, ऑन क्या होगा, C2, और दिस इज नथिंग बट द चार्ज, चार्ज ऑन क्या होगा, C3। अब इसको यदि मैं इक्वेशन वन, इसको इक्वेशन हमने क्या किया, इसको इक्वेशन टू कंसीडर कर, या इसको इक्वेशन टू कंसीडर कर, एक रिलेशन ये मिल जाएगा, दूसरा रिलेशन मैंने बताया है कि अभी क्या बताया है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, एक रिलेशन ये भी बताया था अभी आप लोगों को, क्या बताया था कि Q1 अपॉन क्या होगा C1 इक्वल टू क्या होगा Q2 अपॉन क्या होगा C2, एक रिलेशन ये भी बताया था। अब मुझे क्या करना है कि सी इक्वेलेंट कैलकुलेट करना, देखो तो मैंने ये बताया था, यहां से देखो Q1 इक्वल टू क्या होगा, एक इक्वेशन ये रहने दो, देखो Q1 अगेन मैं लिख देता हूं, Q1 इक्वल टू क्या होगा, क्या होगा Q1 इक्वल टू क्या होगा C1 V1, और हम लिख सकते हैं C1 क्या लिख सकते हैं V, Q2 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं C2 V, Q3 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं C3 V। ये आपको समझ में आया, अरे अभी मैंने बताया था कि V1 V2 V3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, EMF ऑफ द क्या हो जाएगा बैटरी, क्या होगा EMF ऑफ द बैटरी हो जाएगा, वही मैंने लिखा है, क्यों, क्योंकि सभी कैपेसिटर्स क्या है पैरेलल में कनेक्टेड है। अब आप यहां से क्या कर सकते हो, Q1 Q2 का क्या कर सकते हो वैल्यू लिख सकते हो। तो अब आप हम लिख देंगे फ्रॉम सेकेंड, और ये क्या, हम इसको यदि लिख लें, इसको हम थर्ड कंसीडर कर लें, तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम क्या होगा, फ्रॉम सेकेंड एंड क्या होगा थर्ड। देखो तो क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा C1 V प्लस C2 V प्लस क्या होगा C3 V। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो तो Q इक्वल टू क्या होगा C1 प्लस C2 प्लस C3 इनटू हम क्या लिख सकते हैं V। अब ये हम लिख सकते हैं Q अपॉन V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा CP। यही क्या है पैरेलल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, पैरेलल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस नहीं सॉरी कैपेसिटेंस। और ये क्या है चार्ज, चार्ज यहां मैं लिख देता हूं है ना, तो ये क्या हो जाएगा दिस इज चार्ज, चार्ज सप्लाई बाय द क्या होगा बाय द बैटरी, और भी क्या होगा EMF ऑफ द क्या होगा ऑफ द बैटरी। तो क्या होगा व्हेन एवर, क्या होगा व्हेन एवर कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन क्या होगा, क्या होगा कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो हम क्या कर सकते हैं वी कैन रिप्लेस ऑल कैपेसिटर्स बाय ए क्या होगा सिंगल क्या होगा कैपेसिटर्स, क्या होगा वी कैन रिप्लेस बाय ऑल कैपेसिटर्स बाय ए क्या होगा सिंगल कैपेसिटर, कैपेसिटर सूच कैपेसिटेंस इज इक्वल टू क्या होगा सीपी, सीपी इक्वल टू क्या होगा C1 प्लस C2 प्लस C3, और चार्ज क्या होगा Q,
और यही क्या हो जाएगा? तो पैरेलल में क्या होगा, चार्ज हम कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो ध्यान से, हम क्या लिख सकते हैं, तो यहां से हम ये चीज लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि यहां लिख सकते हैं कि यहां क्या होगा, देखो ध्यान से, चार्ज इक्वल टू क्या होगा, सी पी इंटू क्या होगा, वी। चार्ज इंटू क्या होगा, सी पी। अब क्या होगा कि वेन क्या होगा, कैपेसिटर्स आर क्या होगा, तो यहां लिख देंगे कि वेन क्या होगा, वेन कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो लिख सकते हैं कि वेन क्या होगा, वेन कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन क्या होगा, इन पैरेलल, देन वी रिप्लेस ऑल कैपेसिटर बाय ए सिंगल कैपेसिटर whose capacitance is equal to sum of capacitance, है ना, is equal to sum of, क्या होगा, equal to क्या लिखेंगे, CP, क्या लिखेंगे, CP, यहां लिख देता हूं sum of capacitance क्या होगा, capacitance of all capacitors। ये आपको क्या करना है, देखना है। तो हम क्या करेंगे, जब भी क्या होगा कि when ever capacitors are connected in parallel, then we replace all capacitors by a single capacitor whose capacitance is equal to sum of capacitance of all capacitors, sum of capacitance of all capacitor। तो उस तरह हम क्या करेंगे कि जितने भी पैरेलल में कैपेसिटर्स कनेक्टेड हैं उनको क्या करेंगे, हम एक सिंगल कैपेसिटर से क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे, और इसी को हम क्या बोलते हैं, पैरेलल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको, पैरेलल इक्विवेलेंट क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस बोलते हैं। तो हम यहां नोट में लिख सकते हैं कि क्या होगा, पैरेलल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं, यहां देखो क्या लिख सकते हैं कि पैरेलल क्या होगा, पैरेलल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज सेम एज, यहां लिख देता हूं, इज सेम एज सीरीज इक्विवेलेंट ऑफ क्या होगा, रेसिस्टर्स। तो ऐसे लिख सकते हैं, देखो सीपी इक्वल टू अब ये मत समझना कि सीपी इक्वल टू आर एस होगा, ऐसे लिख सकते हैं कि सीपी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, आर एस, जस्ट ये याद रखने के, आई मीन पैरेलल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मस्ट बी इक्वल टू क्या होगा, या सेम एज क्या होगा, सीरीज इक्विवेलेंट ऑफ क्या होगा, रेजिस्टेंस। तो ऐसे हम, या इक्वल मत लिखो, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरा, यहाँ एक पॉइंट ये भी लिख लो, दूसरा भी लिख लो, तो उसके बाद हम आते हैं और भी इसमें, एक पॉइंट और लिख लो कि सीरीज क्या होगा, सीरीज इक्विवेलेंट ऑफ क्या होगा, कैपेसिटर्स इज क्या होगा, सेम एज पैरेलल इक्विवेलेंट ऑफ क्या होगा, रेसिस्टर्स। आई मीन लिख सकते हैं सी एस इज इक्वल टू क्या होगा, आई मीन सेम एज क्या होगा, आर। तो आपको क्या करना है माइंड में, ये दो पॉइंट्स है जो आपको, अब क्या याद रखना है,
कि सीरीज इक्विवेलेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होगा, विल बी क्या होगा, ऑलवेज क्या, सॉरी पैरेलल इक्विवेलेंट ऑफ क्या लिखना है यहाँ, पैरेलल इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट ऑफ कैपेसिटेंस इज ऑलवेज larger than the capacitance having larger value in सर्किट। ये आपको समझ में आया, इसका मतलब क्या हो गया कि पैरेलल इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट ऑफ कैपेसिटेंस इज ऑलवेज लार्जर देन द कैपेसिटेंस हैविंग लार्जर वैल्यू इन सर्किट। इसका मतलब क्या हुआ, इसको मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूँ कि यहाँ आप देखना क्या होगा, और पॉइंट हम लिख लेंगे यहाँ। और देखो यहाँ ध्यान से, जैसे देखो ये क्या है, तीन कैपेसिटर्स, एक 2 माइक्रोफेराड है, जैसे एग्जांपल से आप समझ जाओ 2 माइक्रोफेराड, ये भी क्या है 2 माइक्रोफेराड, और ये क्या है 4 माइक्रोफेराड। तो आपको क्या करना है, इसको यदि एक सिंगल कैपेसिटेंस से क्या करोगे, रिप्लेस करोगे, तो ये क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा। सीपी इक्वल टू क्या होगा, C1 + C2 + क्या होगा, C3 होगा। इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, देखो तो कितना आएगा, 8 माइक्रोफेराड। तो मैंने क्या बताया कि इसमें क्या होगा, सीपी का जो वैल्यू होगा, यदि मैं बता दूं सीपी का वैल्यू, हम लिख दें कि सीपी विल बी ग्रेटर देन क्या होगा, 4 माइक्रोफेराड। तो ऑब्वियसली क्या होगा, यदि लार्जर से क्या होगा, देखो तो 8 जो है वो 4 से भी क्या है, बड़ा है, 2 से भी बड़ा है और 2 से ही बड़ा है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ इसका मतलब क्या आता है, पैरेलल इक्विवेलेंट ऑफ कैपेसिटेंस इज ऑलवेज लार्जर देन द कैपेसिटेंस हैविंग लार्जर वैल्यू इन द क्या होगा, सर्किट। आई मीन जितने भी कैपेसिटर्स पैरेलल में कनेक्टेड हैं उसमें सीपी का जो वैल्यू होगा, जो लार्जर कैपेसिटेंस होगा उससे भी क्या होगा, ज्यादा होगा, हैविंग लार्जर या लार्जेस्ट, सबसे अच्छा है यहाँ लार्जर वैल्यू इन द सर्किट, ठीक है ये भी चलेगा। तो यही क्या है, मुझे एक्सप्लेन करना था इसको। तो इसके बाद हम क्या लिखेंगे, अगला पॉइंट जो है क्या है कि इफ एन नंबर ऑफ इक्वल कैपेसिटेंस, देखो तो क्या होगा इफ एन नंबर ऑफ कैपेसिटर्स ऑफ डिफरेंट कैपेसिटेंस आर कनेक्टेड इन क्या होगा, इन पैरेलल देन क्या हो जाएगा, देन सीपी इज इक्वल टू क्या होगा, C1 + C2 + क्या होगा, C3 + क्या होगा, यहां लिख सकते हैं इफ क्या होगा, इफ C1 = C2 = C3 = C दिया हुआ हो तो हम लिख सकते हैं सीपी इक्वल टू क्या होगा, एन इन टू क्या हो जाएगा, सी, है ना। ये क्या हुआ, कैपेसिटेंस ऑफ एन क्या है, नंबर ऑफ कैपेसिटर, और सीपी क्या है, पैरेलल इक्विवेलेंट
इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ठीक है, इसके बाद आप देखो यहाँ एक रिलेशन भी है, यदि पैरेलल में सीरीज में कनेक्टेड हो, देखो यहाँ से एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि अब CP आपको मालूम है, CS मैंने बताया था कि CS कितना होगा, CS is equal to क्या होगा, C upon क्या हो जाएगा, N हो जाएगा, क्या हो जाएगा, C upon क्या हो जाएगा, N हो जाएगा। अब आप क्या करो, ये CH क्या, CS क्या है, देखो तो C again क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ क्या है, ऑफ एनी कैपेसिटर, और क्या है, एन क्या है, नंबर, नंबर ऑफ कैपेसिटर। ये तो आपको मालूम है सीरीज इक्विवेलेंट, तो आई मीन क्वेश्चन ये पूछा जाए कि एन नंबर ऑफ इक्वल कैपेसिटर को हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिया और एन नंबर ऑफ इक्वल कैपेसिटर्स को, एन नंबर ऑफ कैपेसिटर्स ऑफ इक्वल कैपेसिटेंस को हमने क्या किया, पैरेलल में कनेक्ट किया, तो फाइंड द देयर रेशियो। तो यहाँ से आप लिख सकते हो, देखो क्या लिख सकते हैं कि सी पी अपॉन क्या हो जाएगा, सी एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन सी अपॉन क्या होगा, सी अपॉन क्या हो जाएगा, एन आई मीन क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर। तो लिख सकते हैं सी पी इज इक्वल टू क्या होगा, एन स्क्वायर टाइम क्या हो जाएगा, सी एस। आई मीन क्या है कि एन स्क्वायर टाइम्स क्या हो जाएगा, पैरेलल क्या हो जाएगा, आई मीन यदि क्या होगा, सीरीज और पैरेलल में इक्वल कैपेसिटर्स ऑफ इक्वल कैपेसिटेंस कनेक्टेड हो तो उनके बीच रिलेशन क्या होगा, सीपी और सीएस में सीपी इज इक्वल टू, आई मीन पैरेलल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज इक्वल टू एन स्क्वायर टाइम्स क्या होगा, एन स्क्वायर टाइम क्या होगा, सीरीज इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, क्या है, सीरीज इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। उसके बाद मैंने ये बताया था कि आपसे इन जनरल पूछा जाए, क्या है कि अगला जो पॉइंट है कि टू ऑप्टेंड क्या होगा, टू क्या होगा, टू ऑप्टेंड क्या होगा, ऑप्टेंड मैक्सिमम क्या होगा, मैक्सिमम इक्विवेलेंट क्या होगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस कैपेसिटर्स, कैपेसिटर्स आर, कैपेसिटर्स मस्ट बी कनेक्टेड, कनेक्टेड इन क्या होगा, इन पैरेलल। तो ये भी बोल सकते हैं कि सी पी इक्वल टू क्या होगा, सी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम इक्विवेलेंट होगा। तो आपसे कोई पूछे कि यदि क्या दिया हुआ हो, आपसे यहाँ से आप लिख भी सकते हो कि C इक्विवेलेंट क्या होगा, मैक्सिमम से क्या हो सकता है, कम हो सकता है, और मिनिमम से क्या हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द क्या होगा, कॉन्फ़िगरेशन। तो हम बोल सकते हैं कि C इक्विवेलेंट अलवेज क्या होगा, सी पी से क्या होगा, छोटा होगा, और सी एस से क्या होगा, बड़ा होगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ, हेंस क्या लिख सकते हैं, सी है ना इज लेस देन क्या होगा, सी पी इज ग्रेटर देन क्या होगा, सी एस। आई मीन सीरीज इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या है, इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो कभी कभी भी पूछा जा सकता है टू ऑब्टेंड मैक्सिमम इक्विवेलेंट क्या होगा, कैपेसिटेंस, कैपेसिटर मस्ट भी क्या होना चाहिए, कनेक्टेड इन क्या होना चाहिए, पैरेलल क्या होना चाहिए, पैरेलल। आपसे पूछा जाए किस तरह हम कनेक्ट करें कि अपने को कैपेसिटेंस जो हो क्या हो, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या हो, मैक्सिमम मिलेगा और क्या होगा, मिनिमम होगा। और यदि क्या है, ऐसे आपको चेक करना हो कि जैसे दिया हुआ हो, अननोन वैल्यू दिया हुआ है, तो आप क्या करो, सीरीज और पैरेलल क्या करो, कैलकुलेट कर, सीरीज में पैरेलल में कैलकुलेट कर लो, और इक्विवेलेंट जो होगा क्या होगा, उसी के बीच क्या हो सकता है, अरे मैक्सिमम से छोटा हो सकता है और मिनिमम से क्या हो सकता है, बड़ा हो सकता है। तो किसके बारे में था अभी, क्या है, पैरेलल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के क्या है, सॉरी कैपेसिटेंस के बारे में, या कैपेसिटर्स के बारे में हम क्या है पढ़ रहे थे। अब हम क्या करते हैं, इससे कुछ एग्जांपल देखते हैं। हाँ, इसमें आपको क्या करना है, दो तीन पॉइंट और भी मैं लिख देता हूँ, देखो ध्यान से, ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आपसे यदि पूछा जाए कि
अब ऐसे रटना नहीं है इसको, लेकिन समझ जाना है कि दो कैपेसिटर्स यदि पैरेलल में हों और इधर से चार्ज क्या हो रहा है, क्यू आ रहा है, तो ऑब्वियसली इधर से क्या होगा, चार्ज क्यू जाएगा। यदि इसका कैपेसिटेंस क्या होगा, सी वन, इसका क्या होगा, सी टू, तो इधर जो चार्ज होगा वो क्यू वन और इधर क्या होगा, क्यू टू। तो एक रिलेशन हम लिख सकते हैं कि क्यू इक्वल टू क्या होगा, क्यू वन प्लस क्या हो जाएगा, क्यू टू, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, एक हमने लिख लिया क्यू इक्वल टू क्या होगा, क्यू वन प्लस क्यू टू। दूसरा रिलेशन क्या होगा कि दोनों, देखो क्या हो जाएंगे, दोनों क्या है, पैरेलल में है, तो हम लिख सकते हैं कि पैरेलल में क्या होता है, क्यू अपॉन क्या होगा, सी वन इक्वल टू क्या होगा, क्यू टू अपॉन क्या होगा, सी टू। ये इक्वेशन क्या होगा, सेकेंड होगा। तो आप, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना जब भी प्रॉब्लम सॉल्व करना हो, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन दो के लिए जनरली क्या है, आसान होता है, आप आसानी से कैलकुलेट भी कर सकते हो। तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम, क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड क्या है, सेकेंड, क्या लिख सकते हो, देखो Q1 इक्वल टू क्या होगा, C1, Q अपॉन क्या होगा, C1 प्लस क्या हो जाएगा, C2, Q2 इक्वल टू क्या होगा, C2, Q अपॉन क्या होगा, C1 प्लस क्या हो जाएगा, C2। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, जब भी आपको कहीं भी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट करना हो तो आप आसानी से क्या कर सकते हो, इस रिजल्ट का क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो, क्या कर सकते हो, इस रिजल्ट का आसानी से क्या कर सकते हो, आप यूज कर सकते हो, और इसको यूज करके आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल देखेंगे। ओके, थैंक यू।